अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलिए हम सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लिया है। यहाँ पर हमने कुछ वेजीज ले ली है। टमाटर हमने ले लिए हैं, इनके बीज निकाल लिए हैं और इन्हें इस तरह से चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है। शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में हमने एक मीडियम साइज़ का कट कर लिया है। साथ ही साथ ये हमने लिया है पनीर, पनीर के टुकड़े। इसे हमने फ्रिज में रख दिया था जिसके वजह से ये देखें इस तरह से हो गए दिखने में। इसके अलावा ये हमने पिज्ज़ा सॉस ले लिया है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। और ये यहाँ पर हमने ले लिया है ऑरिगेनो, और ये हमने ले लिया है चिली फ्लेक। साथ ही में एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट हमने लिया है, वो है चाट मसाला। तो सबसे पहले इस वेजीज़ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चुटकी भर काली मिर्च, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे ये पिज़्ज़ा सॉस। इसे हम एक एक ब्रेड पर इस तरह से स्प्रेड करना शुरू करेंगे। तो एक एक करके हमने तीनों ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए आप। और जितने भी बचे हुए ब्रेड थे सब पर हमने इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो हमने वेजीज़ अच्छे से चॉप करके रखी थी, इसमें मसाले ऐड किए थे, उन वेजीज़ को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस जिस पर अप्लाई किया था, जिस ब्रेड पर, उसी ब्रेड पर इस तरह से सब्जियों को रखते जाएंगे। सारी ब्रेड्स पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप चाहें तो पनीर वगैरह भी ऐड कर सकती हैं या फिर कॉर्न भी ऐड कर सकती हैं। आपको जिस चीज़ की भी टॉपिंग पसंद हो आप उससे टॉपिंग कर सकती हैं, लेकिन मेरे फ्रिज में जो वेजीज़ मुझे मिली मैंने उससे टॉपिंग बना ली है। अब हमने अपनी प्लेट ले ली है पनीर वाली, इसमें भी हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये पनीर अभी टाइट है लेकिन जब हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी जैसे कि होती है पनीर। तो ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया हमने पनीर में, सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है। तो ये देखिए हम इसमें ऊपर से पनीर भी ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहें यहाँ पर तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चीज़ को ग्रेट कर देंगे। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो अभी मैं कद्दूकश से इस तरह से कद्दूकश कर रही हूँ। तो चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ, ये देखिए। तो चीज़ से पूरा ब्रेड हम भर देंगे, चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा में, तभी बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा लगेगा। और आप चाहें अगर तो मैदे से भी पिज़्ज़ा बेस घर पर बना लें, जो मार्केट वाला पिज़्ज़ा होता है उससे बना लें। वो मेरे चैनल पर रेसिपी पहले से पड़ी है, आप चेक कर लेना। तो ब्रेड के अलावा मैदे का भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये तो इंस्टेंट पिज़्ज़ा मैंने बनाया है। ऊपर से ऑरिगैनो अच्छे से हमने स्प्रिंकल कर दिया है, और अब हम चिली फ्लेक ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये चिली फ्लेक हमने घर पर ही तैयार किए थे, तो घर का बना है इसलिए बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, इसलिए हम हिसाब से ही ऐड करेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा ब्रेड भी रेडी कर लेंगे टॉपिंग से। जिस तरह से हमने पहला वाला ब्रेड रेडी किया था बिल्कुल उसी तरह से इस वाले ब्रेड को भी हम रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम चीज़ इस तरह से डाल देंगे। पनीर वगैरह तो डाल ही चुके हैं, टॉपिंग्स अच्छे से हो गई है। और मैं जल्द आपसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को बिल्कुल भी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बट आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो ये देखिए मेरी सारी ब्रेड रेडी हो गई हैं, सबकी टॉपिंग्स हमने अच्छे से कर ली हैं। अब हमने तावा गरम करने को रख दिया है। तावा गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बटर को घुमा घुमा कर हमने मेल्ट कर लिया है। अब इस बटर के ऊपर हम रख देंगे अपना पिज़्ज़ा ब्रेड, यानी जो हमने ब्रेड तैयार किया है। ये देखिए इस तरह से हमने ब्रेड रख दिया। ब्रेड को घुमाते रहें, एक जगह बिल्कुल ना रखे रहने दें वरना ये जल जाएगा। अब इसके ऊपर हमने एक थाली इस तरह से ये देखिए सेट कर दी है। ये थाली को भी हम उलट देंगे, यानी कि थाली नीचे कर देंगे, तवा ऊपर कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर सिर्फ चीज़ मेल्ट करना है, सब्ज़ी भी हल्की फुल्की सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक ब्रेड रेडी हो गया है, बाकी के भी ब्रेड हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। तो आपके भी किचन में अगर एक्स्ट्रा ब्रेड पड़ी हैं तो इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है।
तो ये रेसिपी काफ़ी टाइम की थी, मैंने आपसे आज शेयर किया है और ये बहुत ही शॉर्ट वाली रेसिपी है। मैं डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर करूँगी ब्रेड पिज़्ज़ा की। तो नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।